बार चांदी के सिक्के होंगे बजट में। सामान खरीदते वक्त रहे थोड़ा सावधान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धनतेरस और दिवाली में पूरे देश में चांदी खरीदने का शगुन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार व्यापारियों ने 1,000 करोड़ रुपए की 1.5 लाख किलो चांदी के सिक्के, बर्तन और मूर्तियों की खरीद का अनुमान लगाया है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा में भी चांदी के सिक्कों का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। त्योहारी मांग देखते हुए एक महीने पहले से ही सिक्के, बर्तन और मूर्तियों का निर्माण शुरू हो जाता है। धनतेरस और दिवाली करीब आते ही कारखानों में 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। 1.5 लाख किलो के चांदी के कारोबार में करीब आधा निर्माण दक्षिण भारतीय राज्यों से होता है। ऐसे में ग्राहकों को नकली सिक्के की सप्लाई से बचना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं, 3,000 कारखाने करते हैं दिन रात काम। चांदी के सामान बनाने वाले सबसे ज्यादा कारखाने कोलकाता, जयपुर और जोधपुर में हैं। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा में बर्तन ज्यादा बनते हैं। वहीं नागपुर, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, आगरा, लखनऊ, अहमदाबाद, राजकोट व सूरत में बर्तन और सिक्के बनाए जाते हैं। श्री राजस्थान सराफा संघ के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के मुताबिक देश में करीब 3,000 कारखाने हैं। इस बार बर्तन और सिक्के होंगे ग्राहकों के बजट में। वैसे तो ये कारोबार पूरे साल चलता है, लेकिन दिवाली पर मांग कई गुना बढ़ जाती है। ग्राहकों के बजट के हिसाब से 5 से 50 रुपए और 1 किलो वजन के सिक्के बनाए जाते हैं। लक्ष्मी गणेश के चित्र वाले चांदी के नोट भी बनते हैं। लक्ष्मी पूजन के लिए 10 व 20 ग्राम के सिक्कों की खरीदारी ज्यादा होती है। ऐसे में आप भी दिवाली के अवसर पर अपने घर चांदी लाकर शगुन कर सकते हैं। नकली सिक्के खरीदने से रहे सतर्क। ज्वेलर्स के मुताबिक ग्राहकों में जागरूकता और ब्रांडेड सिक्के आने के बाद नकली सिक्कों का कारोबार घटा है, लेकिन अब भी कई शहरों में गिलडियां कम चांदी के सिक्के बनाकर कस्बों और ग्रामीण इलाकों में सप्लाई किए जाते हैं। तो ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए।